धाब्याच्या इमारतीला नुकसान पोहोचवणाऱ्या पिसे कुटुंबियांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी हरपाल सिंग बाजवा यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे. यावेळी हरपाल सिंग बाजवा म्हणाले, धाब्याच्या इमारतीला नुकसान करणाऱ्या पिसे कुटुंबियांची पडवली पोलिसात तक्रार दिली आहे. पडवली पोलिसांनी मनोहर पिसे, संजय पिसे, श्याम पिसे यांच्यावर या पिसे कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तरी पण रोज रात्री घरच्या महिलांकडून धाब्याच्या इमारतीचं बांधकाम तोडण्याचं काम सुरू आहे. मज्जाव करायला गेल्यास शिवीगाळ आणि मारण्याची धमकी येते. हा प्रकार कठोर कारवाई करून थांबवण्याची मागणी हरपाल सिंग यांनी केली. उच्च न्यायालयाकडून स्टेटस को प्राप्त असताना सुद्धा पिसे कुटुंब धाब्याच्या इमारतीला नुकसान पोहोचवून अवैधपणे मालमत्तेत बळजबरीनं प्रवेश केला. विद्युत लाईन सुद्धा कापण्यात आली. उच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या पिसे कुटुंबावर कारवाई करण्याची मागणी हरपाल सिंग बाजवा यांनी पत्र परिषदेतून केली आहे. इराई नदी के पास में हमारा पिछले 40 साल से ढाबा है, जो मेरे पिताजी मुख्तियार सिंह करतार सिंह बाजवा चलाते थे, जो हमें विमला भाई परशुराम आवड़े की जगह पे हमने ढाबा बनाया था. उसके बाद में विमला भाई परशुराम आवड़े ने हमें वो जगह दान पत्र में लिख के दी थी कि मुख्तियार सिंह बाजवा को कि गुरुद्वारे और होटल के लिए. होटल हमारा पहले ही वहाँ पर था. और उसके बाद में हमारे साइड में पीसे करके काशीनाथ पीसे, इन्होंने मेरे पिताजी पर केस किया था कि जगह उनकी है करके. और वो केस सन 81 से 97 तक चला, जिसमें लोअर कोर्ट में मुख्तियार सिंह बाजवा जो मेरे पिताजी उनके तरफ से उसका रिजल्ट लगा था अपना 97 में. उसके बाद उन्होंने फिर से अपील की, जो अपील उनकी खारिज हो गई, उन्होंने फिर दोबारा अपील की, दोबारा अपील उनकी मंजूर हुई. और वो केस अभी तक 2017 तक चलता रहा, 12वें महीने तक. 2017 का 12वें महीने तक केस चलने के बाद में वो केस कुछ हमारे कारणों की वजह से हम जा नहीं पाए और वो केस उनकी तरफ से लग गया, अपोजिट पार्टी की तरफ से. पर इन्होंने हमारी रोजी रोटी जो दाल रोटी है जिसपे हमारा घर बसता था वो सब तोड़ के हमारे माल मत्ते को नुकसान पहुंचा के हमारी दाल रोटी बंद कर दी है. अभी हमारी ये मांग है कि हमारी जो दाल रोटी है वो चलनी चाहिए, फिर से चालू होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और केस का उल्लंघना करके तोड़फोड़ करके जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये सब बंद होनी चाहिए.